हेलो वेलकम अगेन। और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं GTA 5 की सीरीज को। पर इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, हम एक बार एपिसोड 1 का रीकैप करके देख लेते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि माइकल, ट्रेवर और ब्रैड तीन बड़े बड़े क्रिमिनल्स गैंगस्टर हैं और वो एक बैंक लूट लेते हैं। यानी कि आप समझ ही गए होंगे ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं है। काफ़ी हद तक वो बैंक लूट लेते हैं, लेकिन माइकल को वहाँ पे गोली लग जाती है, लेकिन वो अपनी डेथ का फेक करता है और ट्रेवर वहाँ से बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्रैंकलिन और लमार की कहानी। फ्रैंकलिन जो भी इस गेम का मेन करैक्टर है, एक छोटा मोटा स्ट्रीट हसलर है, यानी कि चोर है। बहुत बड़े बड़े क्राइम नहीं करता है वो। गाड़ियां चोरी करेगा, बाइक चोरी करेगा, ट्रैफिक के सारे रूल्स तोड़ेगा। और वो एक करप्ट कार डीलरशिप मैनेजर सिमियन के लिए काम करता है। और हमने एपिसोड के अंत में देखा था कि वो माइकल के बेटे जिम्मी को एक चूना लगा के कार दे देता है। पर आज हम लोग देखेंगे कि इसका एंड में क्या होगा। क्या साइमियन, जो कि करप्ट कार डीलरशिप मैनेजर है, उसकी पोल खुल जाएगी या नहीं, ये हम लोग इस एपिसोड के अंत में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहना। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो और आप इसी तरह की GTA 5 और बहुत सारी दूसरी GTA की गेम देखना पसंद करते हो, जैसे कि GTA 4 एपिसोड फ्रॉम लिबर्टी सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA वाइस सिटी, तो आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, क्योंकि अब मैं इसकी पूरी सीरीज यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, गेम की शुरुआत हो चुकी है। और अगर दोस्तों आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अभी मैं हूँ फ्रैंकलिन क्लिंटन और मैं आ चुका हूँ प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट पे अपने मैनेजर सिमियन से मिलने के लिए। अब ये सिमियन कौन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये उसका गैराज है। ये रहा सिमियन। माय डियर बॉय, सो गुड टू सी यू, सो गुड। होल्ड मी। या लुक मैन, लुक, वी बीन वर्किंग टुगेदर फॉर अबाउट अ फ्यू मंथ्स नाउ, राइट? व्हिच इज व्हाई आई एम वेरी ऑनर्ड टू अनाउंस टू यू दैट यू आर एम्प्लॉई ऑफ द मंथ। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। इट वाजंट इजी पिकिंग अ विनर। या मी, लमार, your nephew Sacha with the twitch. Look man, it's been a real honor, homie, but I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates, but tomorrow, together. I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, Lenovi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. तो वेल दोस्तों, अभी आपने देखा कि सिमियन ने फ्रैंकलिन क्लिंटन को मक्खन यानी कि मस्का लगाने के लिए उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया है, जबकि वो खुद बहुत शॉक्ड है। और लमार को इस बात का बिल्कुल भी अच्छा लगा नहीं है। और अभी हमें मिशन दिया गया है कि हमें एक जगह पे जाके, जिसका नाम है वेस्पुची बीच, वहाँ पे से एक बाइक लेके आनी होगी।
अब ये बाइक स्टील करनी है, चोरी करनी है, या फिर वॉयलेंस एग्रेसिव होके मार धाड़ खून खराबा करके लेके आनी है, ये हमें वहाँ जाके पता चलेगा। अब ये बाइक वहाँ पे है भी कि नहीं ये मुझे पता नहीं। तो अभी हम वेस्पुची बीच आ चुके हैं जहाँ पे हमें वो बाइक लेनी है। अब ये बाइक कहाँ पे है और किस जगह पे हमें मिलने वाली है ये हमें ढूंढना होगा। और काफी अंधेरा है, आसपास कोई भी नहीं है, लगता है हमें यहाँ पे चोरी करनी होगी क्योंकि हम साइलेंटली करेंगे, किसी को मारना वरना नहीं है। ये है वेस्पुची, टैटू लिखा भी हुआ इसके ऊपर। अच्छा, इस पे ऐसे चढ़ना है। मैंने ये गेम 10 साल पहले खेली थी और मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है इसमें करना क्या है। हमें आई थिंक 3 गैराजेस चेक करने होंगे और उसमें से हमें बाइक मिलेगी। और ये क्या हुआ? उसने तब पी रखी है। एक उसको इशारा किया और देख के डर गया। और ये कौन आ रहा है? अच्छा, हमें बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन रखनी होगी, एकदम साइलेंटली खामोशी से चुप चुप के जाना होगा, एकदम बिल्ली की तरह। वैसे मुझे इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ लमार भी है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे किसी से भिड़ने नहीं वाला हूँ। पर पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पे बाइक है भी कि नहीं, या फिर हम ऐसे ही यहाँ पे आ गए। बाइक तो होगी और ये पहला गैराज में तो कुछ नहीं है। आर्मर पड़ा है, आर्मर मेरे कभी काम आ सकता है। हमारे पास कोई भी बंदूक बंदूक नहीं है। अगर गैंग के मेंबर सारे के सारे एक साथ मिलकर आ गए तो बस हमें बच के यहाँ से भागना होगा, कल्टी मारनी होगी, क्योंकि ये एक लास्ट गैराज बचा है। अब यहाँ पे होनी ही चाहिए बाइक। अरे नहीं है, अब कहाँ ढूंढेंगे बाइक को हम लोग? और मैंने जैसे सोचा ही था गैंग मेंबर्स आ चुके हैं। ओह, ये लमार तो खतरनाक निकला है, एक यूजी गन निकाल के फायर कर ही दिया। अब तो हमें कॉम्बैट में आके फाइट करनी होगी। चल हो जा, एक एक की बजाते हैं अच्छे से ना। मैं इस पर पक्का हेडशॉट लेके रहने वाला हूँ। बाप रे, काफी सारे हैं, पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा लमार भी है। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने 2 गाड़ियाँ चुराई थी, वो तो बड़े आराम से चुरा ली थी, पर यहाँ पे अभी हमें थोड़ा वॉयलेंट होना पड़ेगा। आ जाओ, इसको आना है सामने। बाप रे, ऊपर छुप छुप के नूबरों की तरह वार कर रहा है, नीचे आके वार कर। ये इन्हीं का इलाका है। बाइक तो हमें मिली नहीं, हमको बस, अरे ये कार कहाँ से आ गई? मैं देखा नहीं। ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे लगता है अब हमें बस बच के भागना ही है। सोचने, ओ बाप रे, पूरी कार ब्लास्ट हो गई, वो पूरी आग की लपटें निकली है। चलो कोई बात नहीं, हमारी जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है अभी तो। अब बस हमें लमार को, ओ बाइक वहां से निकली, मैंने देखा, मैंने गन फायर भी की थी मैंने। अब हमें उस बाइक के पीछे पीछे जाना होगा। वो जो भी इंसान था बहुत चालाक था, उसको मालूम था कि हम उसे आराम से पकड़ लेंगे, इसलिए वो चकमा दे के वहां से निकल गया। अरे मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया उसने, मैं कैसे करूंगा? चलो कोई बात नहीं, वो बाइक वाला बहुत दूर नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ ही लेंगे, इधर ही कहीं आसपास ही होगा। मुझे बस एक बात की चिंता हो रही है कि इस बार हमारे पीछे पुलिस ना पड़े तो अच्छा, क्योंकि बाइक वाले को गोली तो मारनी पड़ेगी, या फिर एक जोर का धक्का देंगे वो उड़ के नीचे गिरेगा। नहीं नहीं, मैं इसको एक सर पे हेडशॉट देता हूँ। मैंने स्लो मोशन कर दिए और लग 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 हेडशॉट लगना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, एक ही गोली में गया, ढेर हो गया। अब फटाफट यहाँ से बाइक लेके निकलता हूँ। आई थिंक पुलिस अभी हमारे पीछे नहीं पड़ी है, और ना पीछे पड़े तो अच्छा। लमार कार लेके निकल चुका है, मुझे बाइक लेके जाना होगा। ओ, उसके ऊपर ही बाइक चढ़ा दी, बाप रे, अच्छे से कुचल के मार दिया उसको। अभी हम सिमियन के पास जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, ये लमार मुझे बताएगा।
तो करंटली हम अपनी बताई हुई जगह पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अंधेर है, इसीलिए रात को यहाँ पे पुलिस नहीं घूमती होगी, वरना अभी तक हमें पुलिस ने पकड़ लिया होता। और ये सिमियन का गैराज तो नहीं है, तो हम अभी कहाँ पे आए हैं? कार वॉश है कोई। अच्छा, ये लमार हमको बताएगा आप करना क्या है। That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! तो लमार ने हमें कहा है कि सिमियन को हम बता देंगे कि वो बाइक हम रिकवर नहीं कर पाए, और वो बाइक लमार ने अपने खुद के पास रख ली है। तो ये वाला मिशन तो मुझे काफ़ी आसान लगा होगा, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन अब जो मिशन करने जा रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, और आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा यानी कि फ्रैंकलिन का इस गेम में क्या रोल है। हम एक छोटे मोटे स्ट्रीट हसलर हैं, और ये साइमियन हमारा मेन मैनेजर, हमारा मालिक है। What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. That. Wait. That wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Gotcha, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school. तो ओके, साइमियन ने हमें कहा है कि हमें माइकल के बेटे जिम्मी के पास से कार लेके आनी होगी, जो हमारे पास से एपिसोड 1 में लेकर गया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। साइमियन एक चीज भूल गया है कि माइकल है वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिम्मी जो उसका बेटा है उसको तो हम फिर भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन माइकल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इस पर, और ये किसका कॉल आया? साइमियन का कॉल है। Brother, you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. तो साइमियन को पता चल चुका है कि हमने वो बाइक रिकवर कर ली थी, लेकिन उसको दी नहीं है। और अभी साइमियन ने हमें अच्छे से वार्न किया है कि जिस घर के गैराज में हम जा रहे हैं वो गैराज अंदर से बंद है, इसलिए हमें अंदर से यानी कि घर के इंटीरियर में हाउस ब्रेक करना होगा। इसलिए अभी कुछ देर के लिए हमें बनना होगा हिटमैन। हिटमैन एक बहुत ही साइलेंट असैसिनेशन है, अभी किसी को असैसिनेट करना नहीं है, ना किसी को मारना है, बिल्कुल चुपके एकदम हिटमैन की तरह, कितना बिल्ली की तरह ऐसे चुप चुप के निकल निकल के जाना होगा। और मुझे एग्जैक्टली याद है कहाँ जाना है, मैं 10 साल पहले खेली थी और मुझे अभी भी याद है, हमें इस कार के ऊपर चढ़ना होगा। वेल, फ्रैंकलिन का काम इतना आसान नहीं है, और मुझे लगता है ये जो एक स्ट्रीट हसलर है बहुत ही अच्छे से अपनी क्या पता भूमिका निभा रहा है, अपना किरदार निभा रहा है। और एक घर की खिड़की, इसलिए कहते हैं घर की खिड़कियाँ हमेशा बंद रखा करो, पूरी मत खुली रखो। बिल्कुल हिटमैन गेम लग रही मेरे को तो इसमें, एकदम साइलेंटली। हाँ, किसी को हमारी सांस की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और कितना आलीशान घर है। और हो गई, ये कौन है? ये आई थिंक अमेंडा है, माइकल की मिसेज। और वो जो उसके साथ एक आदमी खड़ा है वो उसका टेनिस कोच है। अब वो मुझे पता नहीं उसको किचन में क्यों टेनिस सिखा रहा है, लगता है उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होगा, ये हमें आके पता चलेगा। अभी हमें देखना है कार, ये रही कार।
ऑल राइट, यही वो कार है, अब फटाफट लेके निकलते इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाए। अरे आगे वो गार्डनर खड़ा होगा, देख लेगा। चला गया गार्डनर, अभी मैं देखा था गार्डनर पे गार्डनिंग कर रहा था। चलो हमारा काम इतना इजीली हो गया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। चलो मुझे क्या, मुझे आम खाने से मतलब है, गुटलियां क्या। अरे साइमन को खुशखबरी दे रहे हैं, हमने कार रिकवर कर ली है, हमारे लिए पेड़े बांटने के लिए रेडी रहो अभी खाली। अरे ये क्या हुआ, अंदर से माइकल निकला। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि माइकल को कैसे पता चल गया कि हम कार चोरी करने आने वाले हैं, या फिर ऐसा हो सकता है माइकल पूरी रात अपनी कार के अंदर सोया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है माइकल ने हमें कहीं दूर से देख लिया हो और फिर फटाफट जाके कार में छुप गया हो। अभी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें जो भी माइकल बोल रहा है उसे बस फॉलो करना है, क्योंकि उसने हमारे कान पट्टी पे बंदूक रखी हुई है और हमसे सारे सवाल पूछ रहा है। तुझे किसने भेजा, तुझको किसने यहाँ पे भेजने की कार चोरी करने की सुपारी दी थी, सब कुछ सच सच बता। तो अभी माइकल ने हमको अच्छे से धमकाया है और कहा है कि वो वापस से सिमियन के पास ही जाए। लगता है इस बार तो सिमियन की पोल खुलने वाली है और हमारी नौकरी जाएगी अभी। Drive into right through the fucking window and fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. तो अभी हमें उसकी क्या बोलते गैराज को तोड़ने के लिए बोला है। अरे हमारी नौकरी चली जाएगी, मत कर, और तोड़ दिया। अब तो पक्का हमको जॉब से निकाल देंगे। और इस सिमियन की तो आज पोल खुल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इसको पैसे दे रहे। अब तो गया, अब तो पक्का हमारी नौकरी गई। और ये सिमियन वर्सेस माइकल, यहाँ पे एक वन ऑन वन, उसके मुंह से खून निकल आया, एक पंच में खून निकल आया। लगता है अब तो पुलिस आने ही वाली है। माइकल का गुस्सा बहुत है, अरे होगा भी, वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर दिखाया, उसे सारी सच उगलवा रहा है। बड़ी जोर के मारा उसके मुंह पे। तो फाइनली सिमियन पकड़ा गया और हमारी नौकरी भी गई, हमको निकाल ही देंगे, हम पे को दया रहम नहीं खाने वाले हैं। That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. उसको अच्छे से धमका के बोले, अब सिमियन काफी डर गया होगा। तो दोस्तों ये था यहाँ का एपिसोड। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। हम देखते हैं अगले पार्ट में इसके आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय।